हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैंने कर दी है अपनी वीडियो की शुरुआत नए दिन के साथ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए। तो ये देखिए, यहाँ मैं बना रही हूँ सादा पराठे। और ऑयल फ्री हम पराठे को कैसे कर सकते हैं, तो ये देखिए, जैसे मैं पराठा बनाती हूँ, पराठा बनाने के बाद जो बना हुआ पराठा होता है दूसरा, मैं उस पर इसका जो ऑयल होता है या घी होता है, मैं उसे सारा निकाल देती हूँ, जिससे कि जो हमारा जो पराठा बनता है ऑयल फ्री बनता है। ये टिप्स, किचन टिप्स, बहुत ही यूजफुल टिप्स है। एक बार आप भी इसे ट्राई करके देखना। इससे जो पराठा होता है दूसरा, जो पराठा बनता है उस पर भी ये घी लग जाता है, और जो हमारा जो पहला पराठा होता है उसका जो ऑयल चारों तरफ लगा होता है या घी लगा होता है वो हट जाता है। तो इस तरह से हम पराठे बनाते हैं, तो पराठे भी अच्छे बनते हैं और ऑयल फ्री बनते हैं। और यहाँ मैं कर रही हूँ बेड की चादर को ठीक। तो ये देखिए, इसकी चादर थोड़ी छोटी थी तो मैंने इसमें साड़ी की फॉल लगा दी है, जिससे कि ये थोड़ी बड़ी भी हो गई है। और बच्चे इसके ऊपर खेलते हैं तो जो हम छोटी चादर बिछाते हैं तो निकल जाती है, तो मैंने इसलिए इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ दिया है। और साड़ी की जो फॉल थी ब्लैक कलर की थी, इसमें ब्लैक फूल थे, कलरफुल ये चादर है तो ब्लैक ही इसमें मैच कर रही थी। यदि आपके घर में यदि छोटी चादर हो तो आप इस तरह से सेट कर सकते हो अपनी चादर को। और हम इस तरह से सेट करते हैं, जो चादर बची कुची होती है उसे गद्दे के नीचे फोल्ड कर देते हैं, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने लगा रखा है वो भी नहीं दिखेगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जब घर में होते हैं तो बेड की चादर को बार बार ख़राब कर देते हैं। इस तरह से हमारे बेड की जो चादर है बार बार ख़राब नहीं होगी और अच्छी तरह से ये बिछी रहेगी। ये बहुत ही अच्छी यूजफुल टिप्स है, एक बार आप भी ट्राई करके देखना। तो देखिए, मैंने अपने बेड की चादर को ठीक कर दिया है। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, जो बचे कुछ कपड़े थे वो भी फोल्ड करके रख दिए हैं। और यहाँ देखिए, मेरी देवरानी भी कपड़े फोल्ड कर रही है और ये बेड की चादर को भी फिक्स कर दिया है। ये भी ऐसी ही चादर थी, इसमें भी हमने एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ा है। और हमारा जो घर का काम है अब वो स्टार्ट करेंगे। बच्चे अपने खेल कूद में मस्त हो रहे हैं, गांव में आके फुल मस्ती करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। और पास में ही हमारा घेर है तो वहाँ ये बच्चे खेलने के लिए चले जाते हैं। शाम के खाने में हम बना रहे हैं पनीर की सब्ज़ी, तो ये हमने पनीर कट कर लिया है। ग्रेवी हमने टमाटर की बनाई है। यहाँ मैंने मटर को भी बॉईल कर लिया है और मैंने जो ग्रेवी बनाई थी टमाटर की उसे मैंने थोड़ा सा पका लिया है। उसे पकाने के बाद जो मटर है वो मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि जो मटर है इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। जो ग्रेवी हमने बनाई थी वो ऑयल जब छोड़ देगी तो इसमें हम जो है पनीर डाल देंगे और थोड़ा इसमें पानी ऐड कर देंगे। इस तरह से यदि हम सब्ज़ी बनाते हैं तो सब्ज़ी हमारी जल्दी भी बन जाती है और टेस्टी भी बनती है।
और यहाँ देखिए दीदी बैठी हुई हैं। बहुत अच्छा लगता है हमारे घर में कोई आता है तो। आपको मेरी वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय बाय।